क्या उसका नेम है उसका एक्टर? चलिए, सो दिस इज नॉट सिक्स, इट इज एक्चुअली नाइन्थ सेशन, राइट? ये हमारा नाइन्थ सेशन है. मैं एक बार सीरीज का नाम बता देती हूँ, जो कि मैं यूट्यूब पर डाल तो नहीं पा रही, पर हर यूट्यूब की वीडियो के स्टार्टिंग में अपन बोल दिया करेंगे. एक मिनट रुको जरा. नीट की पीवाई की सीरीज, नीट की तरफ हमारा एक और कदम. दिस इज नाइन्थ डे ऑफ दैट सीरीज, राइट? हम लोग पीवाई क्यू सेशन ले रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर. कल हमने एक थ्योरेटिकल सेशन लिया था. अब अगर क्वेश्चंस के साथ मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पर कुछ हाइड कर देना चाहिए, तो वी विल डू दैट. ठीक है, आज डेट ऑफ लेक्चर आई नो इट्स 17th ऑफ जन, बट लेट्स राइट इट लाइक दिस, माइनस वन. ठीक है, सबको अपना अपना स्टाइल होता है लिखने का. चलिए, अगली बार 19 पे लिखेंगे प्लस वन, 18 जन प्लस वन. अरे मेरे को ऐसे ही करना चाहिए था काउंटडाउन. चलिए, पर कोई नहीं. सो द क्वेश्चन इज कि ये चीज तो आप लोगों को पता ही है कि ये चीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम ओवर देयर. ठीक है, पिछले 5 सालों में वी गॉट 9 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, तो ठीक है, एक अच्छा खासा वेटेज है. वी कैन गिव इट अ राइट अमाउंट ऑफ अटेंशन, राइट? इसके अलावा एक चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, लॉज ऑफ मोशन के कई सारे मतलब आपको याद है लॉज ऑफ मोशन में हमने एक टॉपिक किया था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके, है ना? थोड़ा थोड़ा ना आपको उसका यहाँ पर एक स्टेप आगे दिखेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तक हम लोग पहुंच जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चन में, उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन में, कि सडनली एक्सप्लोड हो गया, रेस्ट में रखा था, ये सब बातें, राइट? एंड या सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि आज के सेशन में हमारे पास 10 क्वेश्चन हैं, PYQs हैं सारे नीट के. हम हर क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 1 मिनट, ठीक है, ताकि सारे बच्चे उसको सॉल्व कर पाए. क्योंकि आई नो कि 30 सेकेंड्स टाइम होना चाहिए, बट आप लोग अगर 30 सेकेंड में कर दे रहे हो तो वो भी मेरे पास काउंट रहेगा. बाकी अगर किसी बच्चे को थोड़ा फिजिक्स में टाइम लगता है तो वो थोड़ा सा 30 सेकेंड्स और ले ले, बट लगाए, दिमाग चलाए, क्वेश्चन लाए, आंसर दिखाए. ठीक है, आज का अप्रोच हो रहने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. पोल लॉन्च होगा, कोई भी माइक ऑन करके चैट ऑन कर, चैट में बिल्कुल भी आंसर नहीं करेगा, वरना आपको मैंने बता रखा है. माइक से बोलते हैं? नहीं नहीं, माइक भी नहीं. जो गिवन टाइम है उसमें कोई नहीं बोलेगा. नीट 2019 का क्वेश्चन है. बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 5 m है, जो रेस्ट पर है, सडनली ब्रेक हुआ और 3 fragments में डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ठीक है, 3 fragments में डिवाइड हुआ. अब उन्होंने बोला 2 fragments of mass m each move along mutually perpendicular directions with a speed v, then the energy released during the process s. ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी पूछ रहे हैं ये क्या होगी. अभी टाइम हो रहा है बेटा आपके पास 19:11. आप लोग मुझे 19:12 तक बता दीजिएगा. या मतलब मैंने सेकंड्स में नोट कर लिया. ठीक है, तो आई टेक केयर ऑफ इट. पोल आप लोगों के सामने अभी आ रहा है, बस एक सेकंड रुकना. ठीक है, उधर आंसर कर दीजिएगा. क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? मैम हलवा खाओगे? हम क्या खा रहे हैं? पकौड़े हैं साथ. मैम मैंने बनाया है. मैम को भी बहुत लंबा जीना है. इसीलिए दे रही हूँ. ओके, तो टाइम इज अप. हो गया है, मैं पोल एंड कर रही हूँ. और बिल्कुल अनम, कभी मिलेंगे तो आई ट्राई
इन फ्रंट ऑफ फ्यू एविडेंस. नमस्ते तुषार, नमस्ते. इतने समय बाद ओके मैम. हाँ, दो तीन सबूत इकट्ठे करके ना तब कि लोगों ने देखा कि अनम बना के लाई थी, उससे पहले मैं सही थी. हाँ मैम, ठीक है. हमारे पास फाइव मास है. हाँ, जो स्टार्टिंग में आराम से रेस्ट में रखा था, सडनली वो एक्सप्लोड हुआ और एक्सप्लोड होके उसके तीन पार्ट्स बने बेटा. उन्होंने बोला कि जो दो पार्ट है उनका रेशियो, मतलब वो जो वो है वेट है, दैट इज एम, और बचा हुआ कितना हो गया, ऑब्वियसली 2m और 5m माइनस करोगे तो 3m बचा. ठीक है, उन्होंने बोला कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव किए, तो बताओ कि इस प्रोसेस में क्या एनर्जी रही है या एनर्जी कितनी रिलीज हुई. एक बात बताओ, जब इनिशियली कुछ था ही नहीं उसके पास, भाई काइनेटिक मोशन तो था ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी तो थी ही नहीं, मतलब जो भी चेंज होगा वो वही होगा जो इस स्टेट में भाई एनर्जी आई थी, टोटल एनर्जी. ये सुनो. यस मैम. यस, तो सॉल्व करते हैं इस चीज को. अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मोमेंटम निकालना चाहते हो तो एक सिंपल सी बात है कि आप वेलोसिटी निकाल लो, है ना, भाई थर्ड पार्टिकल की. तो अब इन्होंने बोला कि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर गए, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई एक पार्टिकल तो एक्स एक्सिस में चला गया, एक पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस में चला गया. ठीक है, अब बचा तीसरा पार्टिकल, वो कहां जाएगा. ऐसी हम चीजें सोचेंगे ना, मतलब लाइक करने के लिए. तो आपको पता था, मैंने इसको बोला था कि आप इसे वी आई कैप लिख सकते हो, इसे वी जे कैप लिख सकते हो. इसको आप जब वी के लिए निकालोगे तो बेसिकली रूट टू वी करके आपका आंसर आ जाएगा. याद है ऐसा चीज. एग्जैक्टली. अगर आपको ऐसे फील नहीं आ रहा है तो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं. एक बात बताओ, उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये वी वेलोसिटी से एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए. ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे एक वर्ड था सडनली एक्सप्लोड करे. सडनली एक्सप्लोड करा मतलब कि आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई थी. जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो हम क्या कहते हैं, मोमेंटम हैज टू बी कंजर्वड, राइट, एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो उस हिसाब से बेटा एक बात देखो कि फर्स्ट वाले केस में आपके पास, मतलब इनिशियल वाले केस में जीरो है मोमेंटम, तो फाइनल केस में भी जीरो होना चाहिए. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा यहाँ से 45 डिग्री पे, क्योंकि रूट टू वी होगा. तो जो थर्ड पार्टिकल होगा इट हैज टू मूव लाइक दिस, है ना, ताकि ये क्या कर पाए, कैंसिल आउट कर पाए उस चीज को. समझ रहे हो. हाँ, है ना. यस मैम. यस Yes, ma'am. Okay. तो बेसिकली कुल मिला के हम इस चीज को भी यूज कर सकते हैं. आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दो मासेस का वेलोसिटी ये था, तो थर्ड एम वाले मास का वेलोसिटी ये इधर आ जाएगा. आप लोग इसको सॉल्व करके देख लो, काम बन जाएगा. बोलो, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए क्या, छोड़ दिया जाए. छोड़ दिया जाए. थैंक यू. चलिए, अगर आप चाहते हैं पर रहम करो. रहम करें. ओके. खैर, 15th का अगर आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, राइट. आप दोनों काइनेटिक एनर्जीज को ऐड कर दोगे, 2m वाली को और 3m वाली को. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए. 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था. बोलते हैं कि एक मास है बॉडी का 4m जो कि एक्स वाई प्लेन पे रेस्ट में है. सडनली एक्सप्लोर जैसी चीजें आ जाए, या खुद भी ब्रेक हो गया बाय इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियस, सब में एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मोमेंटम कंजर्व्ड, ये बात दिमाग में बिठा लो. ठीक है, ये आपको दिख जाने चाहिए, ये चीज बोलना क्या चाह रही है. फिर से बोला, थ्री पीसेस में गई, दो पीस एम मास के थे, परपेंडिकुलर मूव करे इक्वल स्पीड से, टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड. आई थिंक निकालो उसको फटाफट, सॉल्व कर दो. सेम चाहिए वैसे तो. मैं आपको ऑप्शन तो आपके सामने है ही, मैं आपको टाइम दे देती हूँ. अभी हो रहा है 1917, आप लोग 1918 तक बता दीजिए. ठीक है, पोल आ रहा है, तो पोल एंड कर दी गई है. ठीक है, अब आप लोग मेरे को प्लीज बताओ कैसे किया आप में से किसी ने भी, कोई भी बताओ. मैम, इसमें बी आंसर आ रहा है. यस, हम थ्री परीक्षा प्लीज एक्सप्लेन. मैम, इसमें मैंने मतलब पहले एम और एम जो परपेंडिकुलर जा रहे थे उनका रिजल्टेंट रूट टू वी आएगा, फिर हमारा जब एम एम गया तो लास्ट में 2m बचा क्योंकि 4m मास था, तो 2m वी मतलब 2m वाली की वेलोसिटी इक्वल्स टू में रूट टू वी रखा, उससे वेलोसिटी निकाल ली और फिर तीनों की वेलोसिटी अलग, तीनों की काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग प्रेस कर दिया पुट कर कर. वेरी नाइस, मतलब यही सही तरीका है, यही सही बात है.
बिल्कुल ऑप्शन बी आपका ऐसे ही आना है। एक बार मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि अब क्वेश्चन हमने लिए हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, तो एक बार मैं एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ। पता है इसको जितना आप जैसे लेके जाना चाहो, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप 4 से 5 स्टेप स्किप कर दो, ठीक है। फिलहाल मैं बिल्कुल हर एक स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी कि एक मास एम है जिसका वेलोसिटी हमने इस डायरेक्शन में ले लिया, ठीक है, वी। फिर एक दूसरा मास था जो इसके परपेंडिकुलरली मूव किया, वो भी एम का था, वी, ठीक है। अगर मैं इन वाले पार्टिकल्स का लिखूं वेलोसिटी, तो इनिशियल वाले का मोमेंटम जीरो है। अगर मैं फाइनल वाले के लिए लिखूं, तो आप ये तो लिखोगे कि एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, ये हो गए दो सेम वाले पार्टिकल्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए, ठीक है। अब मुझे बचे हुए का नहीं पता, जैसे हमारे पास टोटल 4m मास था, 2m का जिक्र आपके सामने है, मुझे बाकी का नहीं पता, तो मैंने इसे v वेक्टर मान लिया। चाहो तो आप मेरा वाला तरीका अपना सकते हो कि मैम मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व, ठीक है, सिंस एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, तो भी सही रहेगा। अदरवाइज आप ऐसे भी कर लो, जैसे आपका मन वैसे कर लो। मैंने बोला कि मैं थोड़ा बेसिक लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बेसिक वाले फॉर्म में जाते हैं। यहाँ पे हम m कॉमन ले लेते हैं, m सारा हटा देते हैं बेसिकली, ये हो जाएगा v i कैप प्लस j कैप प्लस v वेक्टर, दिस कुड बी योर v प्राइम, राइट। तो और यहाँ पे 2 भी रहेगा, तो यहाँ से आपके पास वेक्टर v प्राइम आ जाएगा बेटा, नेगेटिव ऑफ i कैप माइनस j कैप डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसके लिए आई नीड टू डू दैट स्क्वायर रूट, ये सब चीज, तो अंदर से आ जाएगा आपके पास क्या, रूट टू, बिल्कुल अंदर से आपके पास रूट टू वी बचेगा ना, तो हमने वहां से डिवाइड करके यहाँ पे वी बाय रूट टू भेज, ठीक है। अब आपके पास ये थर्ड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई, फर्स्ट वाले पार्टिकल की है, सेकंड वाले पार्टिकल की है। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, वो भी काइनेटिक एनर्जी, तो कितना सिंपल है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम और वी का स्क्वायर। अभी मैं इंटू टू कर देती हूँ, क्योंकि दोनों की ही वी वेलोसिटी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू टू किया, प्लस हाफ एम, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा v by root 2 का square, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो 2 से 2 गया और ये हो जाएगा mv square, और यहाँ पे आपके पास बचेगा, हाँ जी बेटा, नहीं मैम थर्ड वाले तो 2m होगा ना, नहीं तो हाफ mv square हुआ ना इसका, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv square हुआ, और बेटा इसका भी हाफ mv square हुआ, तो मैंने इसलिए इंटू टू कर दिया। नहीं मैम वो नहीं, थर्ड वाला जो मास वो तो 2m होगा, या एग्जैक्टली 2m होगा, बिल्कुल। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये बच जाएगा आपके पास mv स्क्वायर बाय 2, एंड इट वुड बिकम योर 3/2 ऑफ mv स्क्वायर, राइट, योर ऑप्शन बी। चलिए आ जाते हैं एक दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी सिमिलर टाइप का ही होगा, ये वाला अच्छा लगा था मुझे, गन वाला क्वेश्चन है ये, आई लाइक गन एंड ऑल, ऐसा नहीं है कि मुझे सब पसंद है, ऐसा बताते क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 2008 का है, ऑल्दो काफी पुराना है, बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अ शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज इजेक्टेड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 4 केजी बाय एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, अभी समय हो रहा है 1923, आप लोग 1924 तक बता दीजिएगा, ठीक है, पोल आपके सामने आ रहा है, यहीं पे आंसर करना। भाई साक्षी ऐसा करने की जरूरत नहीं है, दवाइयां जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पूरा दिन होता है वो, आई एम किडिंग, नो डन मैम, डन, कूल कूल कूल, आई टॉक टू यू पर्सनली अभी। चलिए पोल एंड हो गया, रिजल्ट आप लोग सामने है, आप लोग देख सकते हो, बताओगे किसका आंसर क्या रहा होगा? 100 मीटर पर सेकंड। ओके, सबका ऑप्शन सी आ रहा है क्या? यस मैम, वेरी नाइस, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इट्स ऑप्शन सी। एक बार मैं आपको बता दूं, हाँ फिर थोड़ा सा बस ऐसे बता देते हैं कि देखो शेल और क्या था, बुलेट थी हमारे पास, है ना, हाँ मैम, गन और बुलेट।
अब एक बात बताओ, जब पहले गन और बुलेट सब शांत है, आपको बस ये चीज फील करनी है, तो कुछ नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाता है। जब बुलेट फायर होगी तो अब आप गन पर नहीं हंसना, जब बुलेट यहां से फायर होगी तो बुलेट पॉजिटिव एक्स में अगर मूव करती है तो गन नेगेटिव एक्स में रिकॉइल होगी ना। यस मैम। अगर मैं गन के मास को कैपिटल एम, बुलेट के मास को स्मॉल एम कंसीडर करूं तो आप ये तो लिखोगे जीरो नेगेटिव ऑफ एम वी लेट्स से गन और प्लस एम वी, ठीक है, ये वी हो गया बुलेट के लिए, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, राइट। और बस इसके बाद हमको सॉल्व करना है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें मतलब यू नो बाकी आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब जनरेट हुआ, तो आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी निकालोगे, टोटल एनर्जी को 1.05 किलो जूल के बराबर रख दोगे और वैल्यू सॉल्व कर दोगे। क्या समझ में आता है? यस मैम। अगर एक भी बच्चे को परेशानी तो वो मुझे बता सकता है, आई वुड लव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिपीट करना आपको ये वाली चीज समझ में आई अलीशा? इतना पॉइंट मैम, ये तो कॉन्सेप्ट पता है कि जब भी गन वाला बुलेट का केस होता है तो ये लगता है। तो आप क्या करो ना, आप यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे और टोटल काइनेटिक एनर्जी को 1.0 व्हाटएवर द अमाउंट इज 1.05 इनटू 10 की पावर 3 जूल्स इस तरीके से रख दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप वेलोसिटी निकाल लो, फिर आपको यहाँ पे मासेस दे रखे है ना, दिस इज द स्मॉल एम, दिस इज योर कैपिटल एम, ठीक है, तो आप निकाल लोगे वेलोसिटी, इज दैट ओके? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 थी, मैंने कल भी कराया था, मतलब ऐसा सा क्वेश्चन कराया था, बट आप एक बार फिर से बता दीजिए, ग्राफ का थोड़ा क्वेश्चन यही था, तो एक बार मैंने सोचा ग्राफ वाला प्रैक्टिस करा देता है। तो 2005 में आया हुआ PYQ है, अभी टाइम हो रहा है 1927, फटाफट से 1928 तक बताना, और आज थोड़ा सा क्लास जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए। पोल आपके साथ लाइव हो चुका है, प्लीज आंसर कीजिएगा। मैम ये तो स्क्वायर ही है ना, मैम डन। ओके, क्या बोल रहे थे साक्षी? मैम मैं ये कहती ये भी तो स्क्वायर ही है ना, कभी कल वाले क्वेश्चन की तरह हो जाए। ओके कोई इशू नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, चलिए पोल एंड करते हैं। रिजल्ट आप लोग साथ शेयर कर दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा वोट ऑप्शन बी को दिया आप लोगों ने, तो मैं मार्क कर लूं या फिर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं? मार्क कर दो, मार्क कर दो। ओके ठीक है, बस एक बार देख लेता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक वेरिएबल फोर्स आता है तो फोर्स और हाँ जी मुस्कान मैम, मेरा बी आ रहा है। ओके दैट्स गुड मुस्कान, तो अभी बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे हैं, लिख देते हैं बाय स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे मेरा आ पाएगा कि नहीं, तो नहीं चाहिए मैम। सो द थिंग इज कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे वर्क डन पूछा जाए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व आपको दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखना कि उसका एरिया आपको वर्क डन दे देगा, ठीक है, इट मींस दिस एरिया। अब आप इस फिगर को कैसे भी देख लो, आप इसे ट्रेपेजियम देख लो, आप इसे रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल देख लो, रेक्टेंगल मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं देखा नहीं है, यहाँ भी थ्री है यहाँ भी थ्री है, तो एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लस ट्राइंगल जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लो, बस एरिया निकाल के आप इक्वेट कर दो, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने काम करा कि यहाँ पे मैं इसे लिख देती हूँ, वैसे तो मुझे ट्रेपेजियम का एरिया भी आता है बट कई बार हम लोगों को नहीं पता होता, तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, अदरवाइज अगर कोई ट्रेपेजियम पे शक करे, इट इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ इनटू बेस, बेस हो गया आपका 3 से लेके 6 व्हिच इज 3 और हाइट हो गई बेटा 3, ठीक है ना, आप इसको सॉल्व कर दो।
तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 बाई टू 1.5, मतलब 9 बाई टू 4.5 एंड इट वुड बिकम 13.5 जूल्स एंड यस इट इज योर ऑप्शन बी. Is that okay? तो कभी भी आपके पास ग्राफ के क्वेश्चन आए एरिया अंडर द कर्व आपको दिमाग में रखना. और वैसे पता है एक चीज बताऊं, आप जब भी कभी प्रोडक्ट देखो ना कि किसी दो चीजों की प्रोडक्ट से थर्ड चीज मिल रही है तो वो थर्ड चीज हमेशा हम दोनों के एरिया की ग्राफ से मतलब यू नो एरिया अंडर द कर्व से मिल जाएगी. यस लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. इसको रखने का बस एक ही रीजन था क्योंकि 1999 में आया था ये. तो सॉल्व कर दीजिए फटाफट से. यही क्वेश्चन आपसे डाउट में पूछा था, मैंने भी पूछूंगी दोबारा. ओके तो ठीक है अभी हम देख लेंगे. सो अभी समय हो रहा है आपका 1931, आप लोग 1932 तक बता दीजिएगा. क्वेश्चन कह रहा है टू बॉडीज विद द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ रेशियो दिस आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, तो रेशियो उनके मासेस का क्या होगा. पोल आपके साथ मैं अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है फटाफट से उसको जो है आंसर दीजिएगा. अगर मैम पीवाई क्यूज करने से ना अगर क्वेश्चन मतलब नहीं भी आता तो ऑप्शन रट जाते हैं उसके. चलो वो तो एक अच्छी चीज है कि रट जा रहे हैं, बट अगेन द थिंग इज कि भाई अगर थोड़ा बहुत उन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू डिवीट कर दे फिर अपन गलत हो जाएगा. तो इसीलिए उनका ना तरीका भी आना चाहिए. तो तरीके के लिए आप मतलब पूछ लो. और कई बार क्या होता है कि रिप्लाई नहीं आ पाता है तो आप 5 से 6 बार पूछ लो. आपका इतना तो पता है ना कि लाइक गुस्सा नहीं आता है मुझे अगर आप लोग पूछ लोगे. yes, तो पूछ लो आप, ठीक है वो आपकी ड्यूटी है, पूछ लो बार बार. मैम अकबर से ना मतलब दो टीचरों की सिफारिश लगवानी है. मैम कल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, वो होम साइंस की प्रैक्टिकल की फाइल मांग रही है, कहां से दे दे. वेरी नाइस वेरी नाइस. मैं कहती हूँ बादशाह अकबर जी से. हाँ मैम, मैम मुझे दिखाई नहीं दे रही बच्चे की हालत कैसी हो रही है, उन्हें फाइल भी है भाई सर. ओहो अब तो आना ही पड़ेगा. आई एम एंडिंग द पोल, आई थिंक टाइम इज अप. यस टाइम इज अप. यस मैम रिजल्ट आप लोगों के साथ है. चलिए भाई इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जीज दो बॉडी का, लेट्स से एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, उन दोनों का रेशियो मुझे 4:1 दिया हुआ है. ठीक है बोल रहे हैं कि दोनों बॉडी सेम मोमेंटम से ट्रेवल कर रही हैं. ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको पी ए इज इक्वल टू पीवी भी लिख दो. ठीक है रेशियो में बात चल रही थी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ देयर मासेस बता दो, यानी कि एम ए रेशियो एम बी बता दो. ठीक है अब एक बात बताओ, आपको क्या पता है कि के को हम पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं. मैंने आपको डी ब्रॉय में बताया था, अगर आपको नहीं बता दो. ठीक है अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे कि मोमेंटम सेम है, यानी कि आप इसको अभी 2b हटा दो, 2b कांस्टेंट है तो आपको साफ दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हियर. तो बस अब जो भी हमको तो p मतलब ये वाली बात बस ऐसे रखनी है राइट. अब अगर मुझे रेशियो चाहिए एम ए बाय एम बी का तो सिंपल सी बात होगी, इट वुड बी 1:4. तो 1:4 आंसर करना, 4:1 नहीं. हमेशा ध्यान रखना जिसका जिक्र पहले हुआ है उसका रेशियो में भी प्लेस पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो मासेस बोले, क्या मास कुछ नहीं पता, रिस्पेक्टिवली कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं हुआ. तो आपने अब जैसे कहानी को लिखना शुरू किया है तो आप वैसे ही उसको फील करते जाना. ठीक है 4:1 दिया तो ऑब्वियसली इसके ही रिस्पेक्ट में वो आपसे बात करेगा. ठीक है अगर आप 4:1 ही आंसर कर दोगे तो एक बार बताओ आपने तो सिमिलर रेशियो ही आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा. ठीक है तो समझिए थोड़ी सी इन चीजों का ध्यान रख के चलना. बिल्कुल तो ऑप्शन डी होगा. रेशियो वाले क्वेश्चन में चीजें बहुत अड़ती हैं, वो आपको सेम दे देंगे तो आपको करना पड़ेगा अपने आप. 2004 में आया वो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि एक बॉल है जिसका मास इतना है, एक दूसरी बॉल है जिसका मास इतना है, दोनों को 60 feet टॉल बिल्डिंग से गिरा दिया गया है 30 feet के बाद. हाँ each towards their respective kinetic energies will be, kinetic energy का ratio पूछा है 30 feet बाद. तो अभी समय हो रहा है 1935, आप लोग 1936 तक बताइएगा. seconds मैंने note कर लिए हैं, so I'll end the poll. मैम पर इससे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था काइनेटिक एनर्जी मास वाला रिलेशन का,
उसमें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो मैम उसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है ना मास? नहीं बेटा ना, काइनेटिक एनर्जी पूरी हाफ एम वी स्क्वायर है. हाफ एम वी स्क्वायर का बेसिकली, अब आप वो फॉर्मूला पूरा काइनेटिक एनर्जी है ना, बट मास के साथ तो वो आप पी स्क्वायर बाय टू एम से लेके जाओगे ना. वैसे भी जब भी मोमेंटम का केस होगा तो वाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे ना. और वो एक ही बात है, वो आया भी तो हाफ एम वी स्क्वायर में से है, मतलब वो पी स्क्वायर बाय टू एम, राइट? हाँ मैम, डन. ओके, तो समय भी हो गया है, पोल समाप्त कर दी जाए. एक सेकंड रुकिएगा, पोल सर चली गई. क्वेश्चन सिक्स, एक सेकंड हम खत्म कर दो. हाँ जी बेटा, पोल एंड हो गया, रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया मैंने. चलिए अब इसको देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमको बोला था कि एक बॉल है और ड्रॉट फ्रॉम भाई, देखो जहां पे आपको ये शब्द दिख जाए ना, मैंने आपको बताया था कि इससे कुछ इनिशियल कंडीशंस निकाल ली जाए. इनिशियल कंडीशन से मेरा मतलब क्या है कि आप ये निकाल पाओ कि भाई अगर ड्रॉप कर रहे हो तो 0 मीटर पर सेकेंड है, आप अगर ड्रॉप कर रहे हो तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है ना. फिर इस सब हिसाब से, यस, इस सब के हिसाब से आपको ये मैंने बताया था कि वेलोसिटी ये आती है. एक बात बताओ, यहाँ पर वो 30 फीट पर पूछ रहा है, तो 30 फीट तक तो दोनों ने ही सेम हाइट, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो वी तो दोनों का सेम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में जो वी वाला फैक्टर है वो तो हट गया, तो इट्स ऑल अबाउट द मास, राइट? यहाँ पे मोमेंटम का कहीं जिक्र नहीं हुआ है. हमेशा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तो हिंट देगा कि किस एक्सप्रेशन की तरफ जाओ, कैसे जाओ, है ना. तो साक्षी अब देखना, यहाँ पर अगर हमने मोमेंटम का जिक्र नहीं किया है तो फिर ईच वाली चीज क्यों ही लिखे, नहीं लिखना चाहिए ना. फिर जो आपने मुझे पिछले क्वेश्चन में बोला उसके साथ चले जाना चाहिए, राइट? फिर जो आपने ये चीज बोली हम इसको लेके चलते हैं फिर, क्योंकि अगर आप इसको लेके नहीं भी चलोगे ना, अगर आप यहां तक मना कर दोगे मुझसे, तो भी मैं आपसे यही कहूंगी कि एक काम करो, K1 बाई K2 निकालो, आप लिखना इसको हाफ M1 वी का स्क्वायर और इसको लिखना हाफ M2 वी का स्क्वायर. आप कहोगे कि मैम आपने ऐसे क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी मास के इंडिपेंडेंट है अंडर द ग्रेविटी वाले केस में. लो चला गया ये, वापस हम यहीं पर आ गए, तो उतना क्यों ही स्टेप बढ़ाना ना, यहीं से लेके चलते हैं. तो खैर है ना, यहाँ से हमसे क्या पूछा था, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था ना. यस मैम. आ गया आपका 2/4 अर्थात 1/2 व्हिच इज योर ऑप्शन सी. पता है हमारी ना नीट का तो नेचर ही है कि वो हमको थ्योरी में घुमाएगा, हमको न्यूमेरिकल्स परेशान करने के लिए ज्यादा देगा ही नहीं. 2015 की बात करते हैं, बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है जो इस तरीके से लिखा गया, एक वेक्टर जो इस तरीके से लिखा गया, आर द फंक्शंस ऑफ टाइम व्हेन दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. बताइए, तो अभी समय शुरू होता है आपका 1939 हो रहा है, आप मुझे 1940 तक बताइएगा. सेकेंड्स नोट कर ली गई है, पोल तभी तक रहेगा. मैम इसमें मंत्र बड़ा है, मैम भी
समय समाप्त, पोल एंड, और रिजल्ट उसका शेयर हो गया, 14 वोट्स, दैट्स कूल. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इतना तकलीफ देने वाला क्वेश्चन नहीं था. आपको ना बस एक वर्ड ने परेशान किया होगा अगर आपने पहले नहीं सुना होगा, और वो वर्ड है ऑर्थोगोनल. राइट बेटा, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर. बस परपेंडिकुलर ना बोलने का मन करे, चैट जीपीटी से पढ़कर आ जाओ तो ऑर्थोगोनल बोल दो. ठीक है, ऐसे चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रहा है काफी, मतलब चैट जीपीटी भी हट गया, अब तो और बहुत कुछ चल रहा है. सुनाई नाम आपके मुंह से ही है, ऐसे नहीं हो सकता. आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है. नहीं मैम, सच में नहीं पता. चलिए, हाँ तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार मैंने क्वेश्चन देखना था. वेक्टर ए दे रखा था आपको, एक क्या दे रखा है, वेक्टर ए दे रखा है कॉस ओमेगा टी आई कैप साइन ओमेगा टी जे कैप, कॉस ओमेगा टी आई कैप और साइन ओमेगा टी जे कैप. ठीक है, ये हमको दे रखा है. इन्होंने हमको एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, और वेक्टर बी को बोल रखा है ओमेगा टी बाय टू आई कैप. यस, ओमेगा साइन ओमेगा टू ओमेगा टी बाय टू जे कैप. थैंक यू अनु. ओमेगा टी बाय टू जे कैप ये बोला है. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल. हमको बोल रहा है कि किस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल होंगे, वो टाइम बताओ. बेटा अगर ये हमको बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल है तो उसका सिंपल सा मतलब है, ये आप ऐसे लिख सकते हो कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर तो इनका कॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. जब भी थीटा को इंट्रोड्यूस, मतलब थीटा को इंक्लूड करना चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हो. ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे कि ए डॉट बी निकाल लेते हैं, तो आपको पता है आई कैप के साथ होगा, जे कैप के साथ होगा. आप जरा सॉल्व करो इसको, क्या आ जाएगा आपके पास, तो वो आपकी बेसिकली cos c minus cos d वाली आइडेंटिटी बन जाएगी. Yes ma'am. है ना, तो आ जाएगा cos omega t minus omega t by 2. किसी को इस बात में अगर दिक्कत हो तो मुझे बताओ एक बार. मुझे नहीं समझ आएगी बेटा cos c, मैं बताती हूँ बेटा, कोई इशू नहीं. ये जगह की दिक्कत होती है कई बार. देखो यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटीज होती हैं, एक होता है cos c plus cos t, राइट. जब आप इसको खोल सॉरी ऐसे नहीं हाँ जब आप इसको खोलोगे तो ऐसे बनेगा cos c cos t minus sin c sin d. ठीक है, इस तरीके से, राइट. यस मैम. यस, ठीक है. तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है. अगर आपको डिफिकल्टी होती है ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में, देखो मैं आपको बताती हूँ बेसिक मैथमेटिक्स का पहले कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की 10 से 11 फॉर्मूलास स्पेसिफिकली याद कर पाते हो तो बढ़िया है. ठीक है, एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड. मैम अगर ये नहीं पता होता तो कैसे करते बेटा. ये नहीं पता होता तो रीजन नहीं है, ये पता ही होना चाहिए. ठीक है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्या और करेंगे. तो आपको ये चीज आनी चाहिए, मैं बता रही हूँ वही चीज. आपको 8 से 9 फॉर्मूलाज हैं बेसिक डिफरेंशिएशन के, और लगभग उन्हीं का रिवर्स आपका इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, तो आप वो 9 फॉर्मूलाज 10 फॉर्मूलाज जरूर याद कर लो. थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन रूल कैसे लगाते हैं वो याद कर लो, देख लो एक बारी. इसके अलावा आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री में मैं हूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना कि उनमें जब अपन घूमते हैं तब कौन सा एंगल पॉजिटिव रहेगा, कौन सा रेशियो नेगेटिव रहेगा, या 90 डिग्री में प्लस माइनस करते हो तो साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा. पर अगर आप यही काम 180 और 0 पे करो तो ये चीजें नहीं आती. तो ये सब चीजें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री के. आई गेस अपने 12 कुछ फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के भी जो आपको जरूरत पड़ेगी ना वेक्टर आप जब भी डिस्कस करोगे, तो मेक श्योर करोगे वो सब याद रखो. है ना, cos 2 थीटा sin 2 थीटा डबल एंगल वाले काफी फॉर्मूलाज होते हैं, देख लीजिएगा. तो खैर इस फॉर्मूला के हिसाब से देखो cos ओमेगा टी इसकी मल्टीप्लाई से होती, sin की इससे होती, तो ये वाली आइडेंटिटी आपके पास आ जाती. अब ये चीज आपकी जीरो होनी चाहिए. तो इसको जीरो होने के लिए आपको पता है काम कब होता है, cos जीरो कब होता है, जब cos का वैल्यू पाई बाई टू होता है. यस मैम. तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो ना पाई बाई टू से,
आप इसको पाई बाई टू से कंपेयर कर दो और बात बन जाएगी। जब आप इसको पाई बाई टू से कंपेयर करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। यहां से मुझे क्या चाहिए, टी का वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपके ऑप्शन है वो ओमेगा की और पाई की फॉर्म में है, तो मतलब यहां से मुझे बस टी का वैल्यू निकाल के दे दो। तो ये बचेगा आपका ओमेगा टी बाई टू विच इज योर पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल और यहाँ से आपके पास टी का वैल्यू आ गया पाई बाई ओमेगा। ठीक है, सबको समझ में आया क्या करा मैंने? निगम आपको क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलिए एक बार ओमेगा टी वाला बताना। कौन सा वाला अनु? अंशिका, ओमेगा टी माइनस ओमेगा, इसको ओमेगा टी बाई टू कैसे लिखा? देखो ओमेगा टी बाई टू तो ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, कि जो बी वाला वेक्टर है उसका एंगल ओमेगा टी बाई टू है। अब इसको ऐसे कैसे लिखा उसका रीजन ये था, मैंने आपको बोला था कि आप डॉट प्रोडक्ट करो तो डॉट प्रोडक्ट में आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, जे कैप को जे कैप के साथ, क्योंकि इसके अलावा तो मतलब मल्टीप्लाई होकर जीरो दे देगा आपको, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी बाई टू। तो कॉस यहाँ पे आप जरा इसको कंपेयर करके देखो कि कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय कॉस ओमेगा टी बाई टू, तो बेटा सी की जगह ओमेगा टी आया और डी की जगह ओमेगा टी बाई टू आया ना, राइट अंशिका? यस मैम। यस, यहाँ पे आपके पास प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे आप अगर प्लस लगाना चाहते हो तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इसीलिए देखो मेरा आंसर आया ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, एंगल्स मैंने एक साथ रख लिए। ठीक है मैम, ये आपने ब्रैकेट में ओमेगा टी लिखा है कहाँ पे? अब सही है बाल को? ठीक है। अंशिका समझ में आ गया क्या बोल रहे हो? आपको समझ में आया? आप क्यों थैंक यू बोल रहे हो? चलिए क्वेश्चन एट्थ पे आइए, 2016 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव करता है विद दिस पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर इज ओमेगा कांस्टेंट है, तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगेन हमारे नीट का तो भाई नेचर ही ये है। 1948 हो रहा है, 1949 तक आप बताइएगा, पोल आपके साथ शेयर हो रहा है। अभी एक सेकेंड बस, मैम 49 हो गए मैम, डन। अब सेकंड पूरा हुआ है, 49 तो पहले भी हो जाता है ना, लाइक मैंने सेकंड भी नोट किया था। ठीक है, तो पोल एंड हो गया बिल्कुल एक मिनट पर, प्लानिंग प्लॉटिंग चलेगी अब ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आर का ये दे रखा है, बोला है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, जब आपसे इसमें वेलोसिटी और आई मीन क्वेश्चन का बार बार ऑप्शन पढ़ने का क्या पॉइंट है मैं बताती हूँ। जब इसमें आपसे बार बार क्या पूछा जा रहा है कि आप हमको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में बताओ, तो एक बार वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालना सही रहेगा, है ना? यहाँ पे आपको r दे रखा है cos ओमेगा t एंड sin ओमेगा t। ठीक है, r दिया है cos ओमेगा t i कैप प्लस
साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आपको गिवन है। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से वेलोसिटी निकालू तो आई नीड टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आएगा आई कैप, और ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, राइट। आप एक बार एक्सेलरेशन और निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। हाँ जी बेटा, एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा cos ओमेगा t i कैप, इधर हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t j कैप। किसी को इन बातों में कोई समस्या है क्या? अगर आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो भाई ये तो आपका आई गेस कुछ और जैसे बन गया। अब अगर आप एक बात बताओ, एक्सेलरेशन को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर के बराबर रख दूं तो ये कैसा हो? मतलब क्या दिखा रहा है ये कि एक्सेलरेशन इज लाइंग टुवर्ड्स द सेंटर ना भाई, आर वेक्टर के अपोजिट है। मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी आपको अगर आर वेक्टर निकालना है तो आर वेक्टर पोजिशन से रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। इफ दिस इज द सेंटर तो इससे रेडियली आउटवर्ड इज योर आर वेक्टर। अगर ये माइनस दिखा रहा है तो मतलब टुवर्ड्स द सेंटर आ रहा है एक्सेलरेशन। Yes, ma'am. और ये सर्कुलर मोशन की भी एक कंडीशन होती है। Yes, ma'am. याद है? सर्कुलर मोशन में इस पॉइंट पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है, इट मींस टेंजेंशियली होती है ना? हाँ जी मैम। तो आई गेस अब आपको बस एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो ये सारी बातें लेके घूम रहा हो। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं, बोला वेलोसिटी, अच्छा यही है वेलोसिटी परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के, एक्सेलरेशन यही है, बिल्कुल है। अब बाकी देख लेते हैं क्यों नहीं, जब फर्स्ट ही आंसर तो मजा नहीं आता। तो सेकेंड इसलिए नहीं है, यहाँ पे अवे वर्ड यूज कर दिया, अवे नहीं टूवर्ड्स आना चाहिए था ना। बोथ अप एक्सेलरेशन तो सेंटर के रेडियस के अलोंग चला गया, राइट। तो बोथ तो यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे क्या गलत है, पैरेलल तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाई मतलब एक चीज परपेंडिकुलर है। तो यस इट्स ऑप्शन ए। चले आगे, क्वेश्चन नाइन पर आ जाइए। 2012 का क्वेश्चन है, बोला गया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल का इस फॉर्म में आपको दे रखा है। पूछ रहे हैं कि, कह रहे हैं कि ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस है सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। सोचिए समझिए और बताइए। अभी समय हो रहा है 1953, आप लोगों को 1954 तक का टाइम दिया जा रहा है, मैंने सेकेंड नोट करा है, तभी तक के लिए टाइम है। मुरारी बेटा, आप अभी लाइक नए जुड़े हो क्या? मतलब मैं आपका नाम पहले नहीं सुना। और बाकी बेटा इसके अलावा बस एक क्वेश्चन और है, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके स्वाति, या आप तो आते हो सेशन में, आपने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है, गॉट इट। हम मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दे दो चैट में लिखा था। मैम के घर नहीं जा पाओगे नागलोई से, काफी डिस्टेंस पड़ जाता है। वो जो बच्चों की कहानी नहीं होती थी, वो नदी तैर के और फिर पैदल चल के और फिर घोड़े पे बैठ के और फिर कैमल पे बैठ के, वो मैं ही थी। ज्यादा दूर है। मैम 21 को पार्टी वार्टी दे रहे हो क्या? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, आज मैं इतनी खुश हूँ कि हर चीज ऐसे, बिल्कुल यस। अरे मैम ओ स्कैम, आई विल नॉट कम दैट। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच की बात करने की कोशिश कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी आपको दी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बाय आर स्क्वायर माइनस बी बाय आर, ठीक है, फोर्स की बात कर रहा है और स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए फोर्स निकालने के लिए हमारे पास तरीका ही है डी यू बाय डी आर। Yes, जब भी इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसे जीरो के बराबर रख दो, ठीक है।
अभी तो इस क्वेश्चन में खाली इतने से ही काम बन जाएगा, बट अगर आपसे वो पूछे कि किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तीन टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, राइट? इफ दे क्योंकि व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑल्दो दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट फील कि इतने जल्दी आने चाहिए, बट अगर आ जाए तो भी हम इसका एक स्टेप आगे करते हैं, और उसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, व्हिच इज कि आप पहले तो डी यू बाई डी आर निकाल के पॉइंट्स निकाल दो कि किन किन पॉइंट्स पे फोर्स जीरो बैठ रही है, उसके बाद आप निकालते हो डी टी यू यू डी आर टू, ठीक है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट मारते हो, फिर जो भी वो एक्सप्रेशन आते हैं उनमें बारी बारी से वो पॉइंट्स जो है पुट करते हो, आर की वैल्यू पुट करते हो, फिर आप देखते हो कि उस पर इसका साइन क्या आ रहा है, अगर इसका साइन पॉजिटिव आता है तब आप बोलोगे अनस्टेबल, थोड़ा सा उल्टा है, अगर नेगेटिव आता है तब आप बोलोगे स्टेबल, और जीरो आता है तो न्यूट्रल। समझ में आई क्या बात? ये कॉन्सेप्ट था जो कल की क्लास में कवर नहीं हुआ था। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जी, ए और बी आपको कांस्टेंट दे रखा है, तो जब आप ए को करोगे तो ये माइनस ए बाय आर हो जाएगा, है ना, आर स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, एग्जैक्टली, और ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय आर स्क्वायर, देखना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सही हुआ क्या। आर क्यूब बाय आर क्यूब होगा ना, आर क्यूब होगा, यस। एक बार मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, साइड में क्या ऊपर ही लिख देते हैं, एक्स एन डी एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी इंटीग्रेशन का लिख रही हूँ मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये होगा एन एक्स एन की पावर माइनस वन। तो अब यहाँ पे हमारे पास है आर की पावर माइनस टू, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, माइनस टू बाहर आ जाएगा ये ऐसे, ठीक है। फिर आपके पास है r, r की पावर माइनस वन माइनस वन माइनस वन, मतलब यहाँ पे n की जगह माइनस वन रखोगे तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू होता है, एंड इट वुड बिकम दिस। अब इस चीज को आप जीरो के बराबर रखकर कर दो सॉल्व, समझ रहे हो मैम? b के सामने प्लस होगा ना? यस मैम। माइनस वन, हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। यहाँ से आप एक काम करो, वन बाय आर स्क्वायर कॉमन लो, उधर फेंक दो, तो आपके पास बचेगा माइनस टू ए बाय आर प्लस का बी। यहाँ से हमको आर का वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव ऑफ टू ए बाय आर, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, राइट, और आर का वैल्यू हो जाएगा टू ए बाय बी, ऑप्शन बी, यस। एक समय बाद मेरे से मैथ्स ऐसे होने लगती है कि टू प्लस टू थ्री, और अभी मेरे को एक और सेशन लेना है न्यूमेरिकल से, सभी कंडक्टर्स की तरह 1 प्लस 1 1। हाँ, फिर मैं डिजिटली वाले जोन में चली जाती हूँ। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहा है क्या? नहीं, 2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसको एस हाइट से हमने रिलीज किया है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, द हाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट। चलो, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए, बिकॉज आई नीड टू एंड क्लास एट 8, ठीक है, और अगली जो भी हमारी क्लास होगी मैं आपको पहले बता देती हूँ भाई, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास